नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लाल किले से राहुल गांधी बोले, देश में भाईचारा, मीडिया हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैला रहा, इन्हें सरकार कंट्रोल कर रही है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में है। यहाँ शनिवार शाम उन्होंने लाल किले से जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मीडिया केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, वह 2400 घंटे हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैला रहा है, जबकि देश में सच्चाई यह है कि मैंने इस यात्रा में पाया कि देश में लोगों के बीच भाईचारा है, सब एक दूसरे को प्यार करते हैं। यह मीडिया की गलती नहीं है, इनके पीछे जो शक्ति है वह इन्हें कंट्रोल कर रही है। यह सब वास्तविक समस्याओं से देश का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। राहुल गांधी ने पूछा कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, यह अंबानी अडानी की सरकार है। मैं 2800 किलोमीटर पैदल चला हूं, मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी। आज देश का युवा बेरोजगार है, अगर इस देश में युवाओं को कोई रोजगार दे सकता है तो देश के किसान और छोटे व्यापारी हैं, लेकिन इनके लिए देश की बैंकों के दरवाजे बंद हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं राजनीति में आया तब मीडिया वाले 2400 घंटे राहुल गांधी करते थे। बीजेपी ने मेरी छवि खराब करने में हजारों करोड़ रुपए लगा दिए, मैं एक शब्द नहीं बोला। मैंने यह भी नहीं कहा कि यह गलत कह रहे हैं, पूरा मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक पर मेरी छवि खराब करने में लग गए, लेकिन सच्चाई को छिपाने की कितनी भी कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं से सच्चाई बाहर आ ही जाती है। भाजपा पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं, उनमें गले लगाने की बात कही गई है। ये लोग डर फैला रहे हैं, डर किसानों के दिल में, युवाओं के दिल में, छोटे कारोबारियों के दिल में, माताओं के दिल में, ये 24 घंटे देश में डर फैलाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद तो अगली बड़ी खबर, सिर्फ चीन ही नहीं, इन चार देशों में भी कोरोना की रफ्तार तेज, भारत सरकार अलर्ट। जी हां दोस्तों, चीन में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों से हालत बेकाबू है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना के केस सिर्फ चीन में ही बढ़ रहे हैं। दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और ब्राजील में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की COVID-19 रेस्पॉन्स टीम में महामारी विशेषज्ञ मारिया वान खेरखो के अनुसार दुनिया भर में हर सप्ताह 8 से 10 हजार लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। दुनिया भर में कोरोना के केस बढ़ने से महामारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान देने के लिए कहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का भारी विरोध के बाद चीन सरकार ने क्वारंटाइन और आइसोलेशन प्रोटोकॉल सहित सख्त प्रतिबंधों को हटा दिया। प्रतिबंध हटाने के बाद से चीन में कोरोना बेकाबू हो गया। वहां स्थिति यह है कि अस्पताल मरीजों से भरे हैं और बाहर मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 चीन में कहर बरपा रहा है। दोस्तों, चीन के अलावा फिलहाल कोरोना जापान में, दक्षिण कोरिया में, अमेरिका, ब्रिटेन में भी भारी तबाही मचा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वीडियोकॉन ICICI केस, पूर्व CEO चंदा कोचर पति दीपक 3 दिन की CBI हिरासत में। जी हां दोस्तों, ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को विशेष अदालत ने 3 दिन के लिए CBI की हिरासत में भेज दिया है। वीडियोकॉन ICICI बैंक धोखाधड़ी के इस केस में CBI ने शुक्रवार को दोनों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद CBI ने अदालत से दोनों आरोपियों की 3 दिन की कस्टडी मांगी थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह मामला करीब 3,250 करोड़ रुपए के लोन से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि ICICI बैंक ने वीडियोकॉन समूह को यह लोन देने में अनियमितताएं की थी। जब यह धोखाधड़ी हो रही थी उस वक्त चंदा कोचर बैंक की CEO थी। इस मामले में बवाल फरवरी 2019 में तब मचा जब परिवर्तन निदेशालय यानी कि ED ने आपराधिक मुकदमा दर्ज किया। इसके तहत ही आरोपियों पर कार्यवाही की गई। चंदा कोचर पर भेदभाव और वीडियोकॉन समूह को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान टीचर भर्ती का GK पेपर लीक, मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार, चलती बस में सॉल्व कर रहे थे 40 छात्र, 7 लड़कियां भी, 10-10 लाख में डील। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में शनिवार को सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा होनी थी, लेकिन एग्जाम शुरू होने से पहले ही परीक्षा का पेपर लीक हो गया। उदयपुर में 40 स्टूडेंट्स बस में पेपर सोल्व करते पकड़े गए। इसे लेकर अजमेर, उदयपुर, अलवर समेत राज्य भर में छात्रों ने हंगामा और प्रदर्शन किया। इसके बाद आनन फानन में सुबह 9 बजे एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले पेपर लीक कैंसिल कर दिया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साफ किया कि आज दूसरी पारी में होने वाली परीक्षा होगी, सिर्फ सुबह की ही पारी में होने वाला GK का पेपर स्थगित किया गया है। इस पेपर को 4 लाख छात्र देने वाले थे, अब ये एग्जाम कब होगा इसकी जानकारी नहीं दी गई है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब मथुरा में सर्वे के आदेश दावा, मस्जिद के नीचे है मंदिर, कोर्ट ने 20 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी, हिंदू पक्ष बोला औरंगजेब ने ईदगाह बनवाई। जी हां दोस्तों, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में जिला कोर्ट ने शनिवार को बड़ा आदेश दिया। यहां भी वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर की तरह मस्जिद का सर्वे होगा। सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर यह आदेश दिया। रिपोर्ट 20 जनवरी को कोर्ट में पेश की जाएगी, सर्वे 2 जनवरी को होगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह मंदिर होने के प्रतीक के साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है। पक्षकार मनीष यादव और वकील महेंद्र प्रताप ने कहा कि शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत मौजूद हैं, ये वैज्ञानिक सर्वे के बाद सामने आ जाएंगे। अर्जी मथुरा की जिला अदालत में 1 साल पहले दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनवाई थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के सामने पेश किया। उन्होंने 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए इसे खत्म किए जाने की मांग की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अभिनेत्री तुनिशा शर्मा ने मेकअप रूम में चुन ली दर्दनाक मौत, सीरियल महाराणा प्रताप से की थी करियर की शुरुआत। जी हां दोस्तों, टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने टीवी सीरियल के सेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोस्तों बताया जा रहा है कि तुनिशा ने मेकअप रूम में अपनी जान दे दी। सब टीवी पर आने वाली अली बाबा दास्ताने काबुल में शहजादी मरियम का किरदार अदा करने वाली तुनिशा शर्मा टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम रही है। ऐसा माना जा रहा है कि वह पिछले कुछ दिनों से सेट पर कुछ उदास सी नजर आ रही थी। 20 साल की तुनिशा ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप से की थी। इसके बाद वह चक्रवर्ती अशोक सम्राट, गब्बर मूछवाला, शेर ए पंजाब, महाराणा रणजीत सिंह, इंटरनेट वाला लव, इश्क सुभान अल्लाह और अली बाबा दास्ताने काबुल जैसे सीरियल्स में नजर आई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान महिला शिक्षा पर तालिबान के बैन का बड़ा विरोध, पुरुष छात्रों ने किया एग्जाम का बायकॉट। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान ने लड़कियों और महिलाओं की यूनिवर्सिटी शिक्षा पर रोक लगा दी। इसके बाद यहां तालिबान के इस फरमान का विरोध शुरू हो गया है। वहीं इसके विरोध में छात्राओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अफगानिस्तान के नागरहार विश्वविद्यालय के पुरुष छात्रों ने परीक्षा का बायकॉट किया। इसके साथ ही नागरहार और कांधार में छात्रों ने तालिबान के इस फरमान के खिलाफ तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। न्यूज एजेंसी AFP के अनुसार तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। इसके बाद ये इस आदेश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने इसे मानवाधिकारों का एक हनन और एक हमला करार दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तालिबान ने पिछले साल देश पर नियंत्रण हासिल करने के बाद से इस्लामिक कानून की अपनी सख्त व्याख्या को व्यापक रूप से लागू कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शाहरुख खान की पठान ने रिलीज से पहले ही रच दिया इतिहास, आइस थिएटर में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान स्टारर पठान हर तरफ चर्चा में है। फिल्म और इसके गाने बेशरम रंग को लेकर कुछ विवाद भी है। इस गाने में दीपिका पादुकोण की बिकनी के रंग पर बवाल मचा हुआ है। पठान को लेकर इन दिनों हर तरफ बज बना हुआ है। 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म रिलीज के पहले ही इतिहास रचने के लिए तैयार है। शाहरुख खान की यह फिल्म कई मायनों में खास वाली है, जिनमें से एक है इसका आइस यानी कि इमर्सिव सिनेमा एक्सपीरियंस फॉर्मेट में रिलीज होना। जी हां दोस्तों, पठान ऐसी पहली भारतीय फिल्म है जो कि आइस फॉर्मेट में रिलीज हो रही है। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित स्पाई थ्रिलर 25 जनवरी को हिंदी, तमिल और तेलुगु में सिनेमाघरों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म में शाहरुख खान के साथ ही दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम की भी मुख्य भूमिकाएं हैं। फिल्म को रिलीज होने में अब बस 1 महीने का ही समय बचा है। अब पठान की रिलीज को लेकर आए नए अपडेट से फैंस में इसका इंतजार और तेजी से होने की संभावनाएं बढ़ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, MFCG कंपनियां तेजी से कर रही है विस्तार, बिस्किट, साबुन और टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट्स की 11% तक बड़ी बिक्री। जी हां दोस्तों, MFCG सेक्टर्स पर महंगाई ने ज्यादा असर नहीं दिखाया। चालू वित्त वर्ष यानी कि मार्च 2023 तक इनकी बिक्री 7-9% बढ़ने का अनुमान है। संगठित क्षेत्र की कंपनियों की बिक्री इससे ज्यादा 9-11% बढ़ सकती है। हाल ही की तिमाहियों में इस सेक्टर की बड़ी कंपनियां तेजी से असंगठित क्षेत्र हथिया रही है। दरअसल दोस्तों
देश में खास तौर पर शहरी इलाकों में बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट जैसे रोजाना खपत के प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है। इसी बीच एमएफसीजी कंपनियों ने कई छोटे बड़े ब्रांड का अधिग्रहण करके विस्तार की रणनीति अपना रखी है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में एमएफसीजी सेक्टर की ग्रोथ 10% के आसपास रहने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गहलोत पायलट के बीच सियासी खेल पर भूपेश यादव का बड़ा बयान, सचिन को बीजेपी में लाने पर कही यह बात। जी हां दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस में जारी घमासान को लेकर राहुल गांधी के प्रयासों के बावजूद सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच सियासी आंखमिचोली अब भी जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेश यादव ने कांग्रेस के शीर्ष दो नेताओं के बीच जारी सुप्रीमेसी की जंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि सचिन पायलट को हम क्यों बीजेपी में लाएंगे। बीजेपी नेता का ये बयान एएनआई के एक सवाल के जवाब में सामने आया। दरअसल दोस्तों एक साक्षात्कार के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेश यादव ने यह पूछते हुए जानने पर कि क्या आप सचिन पायलट को बीजेपी में लाएंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को हम क्यों लाएंगे अपनी पार्टी में, वो अपनी पार्टी में है, हम अपनी पार्टी में हैं। इसके बाद जब भूपेश यादव से यह पूछा गया कि लंबे अरसे से पायलट के बीजेपी में शामिल होने की बात चल रही है, इस पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी पूरी तरह से मजबूत स्थिति में है। राजस्थान में कांग्रेस के नेता पिछले 5 सालों से रुमाल दुपट्टे का खेल खेल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, कई राज्यों में -45 डिग्री तक गिरा पारा, न्यूयॉर्क में इमरजेंसी घोषित। जी हां दोस्तों, अमेरिका में बम साइक्लोन यानी कि सर्दियों के तूफान से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। क्रिसमस की छुट्टियों के बीच लोग मौज मस्ती करने की सोच रहे थे, लेकिन उन्हें बर्फीले तूफान के कारण अपने घरों के अंदर ही दुबक कर रहना पड़ रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बम चक्रवात से 14 लाख से अधिक घरों की बिजली गुल हो गई है। ब्लैकआउट और तापमान में गिरावट के कारण व्यवसाय गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। एसोसिएट प्रेस ने बताया कि ब्लैकआउट की ज्यादातर घटनाएं पूर्वी अमेरिका में हुई, जहां तूफान में पेड़ उखड़कर बिजली लाइनों पर गिर गए, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रभावित हुआ। देश के पश्चिमी राज्य मोंटाना में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। चक्रवाती तूफान के कारण अमेरिका के मध्य राज्यों के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना का खतरा, केंद्र का राज्यों को निर्देश, ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी ना हो, वेंटिलेटर दुरुस्त रखें। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लेटर भेजा है। इसमें लिखा है कि देश में कोरोना की रफ्तार धीमी है, लेकिन हमें आने वाली चुनौती के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि ध्यान रखें कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी न आए, साथ ही वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सप्लाई की मशीनें दुरुस्त रखी जाएं। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि चीन, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी होगा। यदि इन देशों के किसी भी यात्री में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं या टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो इन लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फर्जी लोन पास कर बैंक को लगाया 1 करोड़ से ज्यादा का चूना, पुलिस ने ब्रांच मैनेजर को किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, राजस्थान के करौली जिले के केला देवी पंजाब नेशनल बैंक में तत्कालीन बैंक मैनेजर को अपने पद का दुरुपयोग करने और 1,22,00,000 रुपए का गबन करने के मामले में करौली के लांगरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि करौली जिले के केला देवी पंजाब नेशनल बैंक शाखा के तत्कालीन मैनेजर संतोष मीणा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अधीनस्थ एजेंटों से मिलकर बैंक खातों में बिना मैंडेट का उपयोग करते विभिन्न खातों से पैसे निकालकर लगभग 1,22,00,000 रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। करौली जिले के केला देवी पंजाब नेशनल बैंक शाखा के तत्कालीन मैनेजर संतोष मीणा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने अधीनस्थ एजेंटों से मिलकर बैंक खातों से पैसे निकलवाए, इसी आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, रोमांचक मोड़ पर दूसरा टेस्ट मैच, 145 रन के टारगेट के जवाब में भारत का स्कोर 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर, राहुल गिल पुजारा और कोहली हो गए आउट। जी हां दोस्तों, मीरपुर टेस्ट में बांग्लादेश ने भारत को जीत के लिए 145 रन का टारगेट दिया है। जवाब में टीम इंडिया ने तीसरे दिन स्टंप्स तक 45 रन पर ही 4 विकेट गंवा दिए। अक्षर पटेल 26 रन और नाइट वॉचमैन जयदेव उनादकट 3 रन बनाकर नाबाद हैं। चौथे दिन भारतीय टीम को जीत के लिए 100 रन बनाने हैं, वहीं मेजबान टीम को 6 विकेट गिराने हैं।
शनिवार को स्टंप से कुछ देर पहले विराट कोहली एक रन बनाकर आउट हुए। उन्हें मेहंदी हसन मिराज ने मोमिनुल हक के हाथों कैच आउट करवा दिया। मेहंदी को तीसरी सफलता मिली। उन्होंने ओपनर शुभमन गिल और अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का विकेट भी लिया। दोस्तों भारतीय कप्तान केएल राहुल का विकेट बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन ने लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा बदनामी से बचने के लिए चुकाएगी 60,000 करोड़ की रकम। जी हां दोस्तों, फेसबुक की मूल कंपनी मेटा की तरफ से कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले के सेटलमेंट के लिए 6,000 करोड़ रुपए के सेटलमेंट की पेशकश की गई है। दरअसल मेटा की तरफ से साल 2018 में हुए खुलासे के बाद तकरीबन 4 साल चले क्लास वॉसूट के निपटारे के लिए $725 मिलियन के भुगतान पर सहमति बन चुकी है, जो कि भारतीय करेंसी के हिसाब से 6,000 करोड़ रुपए होते हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले में लगे आरोपों के बाद कंपनी ने यह बड़ा फैसला लिया है और अब कंपनी इस भारी भरकम रकम का भुगतान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल दोस्तों फेसबुक ने कुछ 87 मिलियन यूजर्स के निजी डेटा को एडवाइजरी फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ साझा किया था। जिन यूजर्स के निजी डेटा को कंपनी के साथ साझा किया गया था उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी और उसकी जानकारी के बगैर ही कंपनी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगाई से निपटने की रणनीति, 2.5 साल में RBI ने दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदा। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में ताबड़तोड़ सोना खरीदा है। अप्रैल 2020 से सितंबर 2022 के बीच RBI ने 132.34 टन सोना खरीदा। इस दौरान दुनिया के किसी भी केंद्रीय बैंक ने इतना सोना नहीं खरीदा। वहीं 2022 में 17.46 टन खरीदारी के साथ RBI दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीददार है। भारतीय रिजर्व बैंक गोल्ड रिजर्व के मामले में सितंबर 2022 तक 785.35 टन के साथ 9वें स्थान पर रहा। 1 अप्रैल 2018 से लेकर 30 सितंबर 2022 के बीच RBI अपने गोल्ड भंडार में 225.03 टन की बढ़ोतरी कर चुका है। सितंबर तिमाही में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने 400 टन से ज्यादा सोना खरीदा, जो एक साल पहले की तुलना में 4 गुना है। इस साल 17.46 टन सोना खरीदकर RBI दुनिया का तीसरा बड़ा गोल्ड खरीददार रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेब सीरीज मनी हाइस्ट की तरह सुरंग बनाकर SBI से सोना चोरी, 15 दिन की प्लानिंग, 8 फीट अंडरग्राउंड रास्ता बनाया, टॉप अधिकारियों पर शक। जी हां दोस्तों, स्पेन की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज मनी हाइस्ट की तरह ही सुरंग खोदकर कानपुर में सोने की चोरी हुई। यह चोरी सचेड़ी स्थित SBI बैंक में हुई। चोरों ने पहले प्लानिंग की, फिर बैंक के पीछे से 8 फीट सुरंग खोदी और करीब 2 किलो सोना ले गए। यह घटना बुधवार देर रात की है। पुलिस का मानना है कि चोरों ने वारदात के लिए 15 दिन की प्लानिंग की होगी। पुलिस को शक बैंक के टॉप अधिकारियों पर है। मनी हाइस्ट को लेकर लोगों का मानना है कि इस वेब सीरीज में दुनिया की सबसे बड़ी चोरी दिखाई गई है। कहानी एक प्रोफेसर की है जो स्पेन के सबसे बड़े बैंक से सोना चुराने के लिए 25 साल प्लानिंग करते हैं। इसके बाद अपने साथियों को चोरी करने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। कई किलोमीटर की सुरंग कर पूरे स्पेन का पैसा और सोना चोरी कर लेते हैं। अब इसी तरह प्लान बनाकर कानपुर में भी चोरी की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन में 24 घंटे में 3.7 करोड़ मरीज मिले, सड़कों पर रस्सी बांधकर ड्रिप लगाई जा रही। जी हां दोस्तों, चीन में कोरोना के हालात बेकाबू हो गए हैं। ब्लूमबर्ग ने चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन के हवाले से बताया कि मंगलवार को यहां एक दिन में 3,70,00,000 केस सामने आए थे। हालांकि सरकारी आंकड़ों में इस दिन सिर्फ 3,000 केस ही बताए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने के शुरुआती 20 दिनों में 24,80,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके पहले जनवरी में एक दिन में 40,00,000 कोरोना मरीज मिले थे। चीन के बदतर हालात सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस बता रहे हैं। एक वीडियो में लोग सत्रों के लिए धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। वहीं एक क्लिप में PPE किट पहना बच्चा इधर उधर घूम रहा है। कोरोना के डर के कारण लोग उसे अपने पास नहीं आने दे रहे। महामारी विशेषज्ञ एरिक फेगल डिग ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें एक अस्पताल में शवों का अंबार देखा गया जा सकता है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग ने भी एक क्लिप शेयर की। इसमें दिख रहा है कि सड़कों पर रस्सी बांधकर लोगों को ड्रिप चढ़ाई जा रही है। दोस्तों चीन के बाद जापान में सबसे ज्यादा कोरोना मामलों की रिपोर्ट सामने आ रही है। कोरोना वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 173,000 नए केस जापान में सामने आए हैं। वहीं 315 लोगों की मौत भी हुई है। उसके बाद में दोस्तों फ्रांस और साउथ कोरिया का नंबर आता है। यहां पर 1,00,000 से ज्यादा केस प्रतिदिन आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
बाबर आजम का भविष्य अब शाहिद अफरीदी के हाथों में जल्द करने जा रहे हैं निर्णय। जी हां दोस्तों, रमीज राजा की विदाई के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बदलाव दिखना शुरू हो गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए नई सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है। पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उन्हें सिलेक्शन कमेटी का अंतरिम प्रमुख बनाया गया है। कमेटी में पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक, राव इफ्तिखार अंजुम और हारून राशिद भी है। हारून को संयोजक बनाया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिनों रमीज राजा की जगह एक बार फिर नजम सेठी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ गए। इंग्लैंड के खिलाफ घर में टेस्ट सीरीज में 0-3 से मिली करारी हार के बाद अफरीदी ने कप्तान बाबर आजम की आलोचना की थी। अब देखना होगा कि सिलेक्शन कमेटी उनके भविष्य को लेकर क्या फैसला करती है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के फाउंडरों का नाम क्या क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किन दो व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई थी तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।